क्वेश्चन आंसर्स इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी सेशन. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क. आई एम वेटिंग. यू कैन आस्क वाया योर वीडियो ऑडियो, यू कैन आस्क वाया टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आस्क बाय टेलीपैथी. जस्ट जोकिंग, यू शुड जस्ट आस्क थ्रू दिस मीडियम्स. या तो चैट में लिखो. हेलो सर, यस सर, सर हाउ कैन वी ग्रो आवर नेटवर्क सर, लाइक फ्रेंड सर्कल, लाइक हु ट्रस्ट टीचर, लाइक दैट वी कैन ट्रस्ट ऑन देम. यू हैव टू क्वेश्चंस अनुपम. फर्स्ट, वेदर हाउ टू ग्रो आवर नेटवर्क और हाउ टू ट्रस्ट आवर पीपल, व्हाट एग्जैक्टली? सर दो बहुत सर, लाइक हाउ टू ग्रो आवर नेटवर्क, और हम उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, लाइक जो हमारा नेटवर्क है उनके ऊपर हम भरोसा भी कर सकते हैं. सो हाउ ये कैसे कर सकते हैं सर? So see, first I'll answer your question, how to grow your network. सर Most important thing everyone needs to understand, आपने सबने या फिर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. आपका जो रियल वर्थ है ना, वो आपके कनेक्ट्स है, आपके कॉन्टेक्ट्स है. जितने भी लोग बड़े लेवल पे हैं, इज बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क. मोदी जी नेटवर्क करते हैं. एज यू नो, ही इज ट्रैवलिंग अक्रॉस वर्ल्ड. अमिताभ जी मोदी जी कनेक्टेड है. सचिन तेंदुलकर बैठते हैं अमिताभ के साथ, अंबानी जी के साथ. लुक एट देयर नेटवर्क. आस्क योर सेल्फ, हाउ इज योर नेटवर्क? सो हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, वट एवर यू विश दैट यू वॉन्ट टू रीच एट दैट लेवल, आपको उन लोगों के साथ रहने का कोशिश करना पड़ेगा. वट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ आई वॉन्ट टू बिकम लेट से अ ग्रेट क्रिकेटर, देन माई जॉब इज आई शुड हैंग आउट विथ क्रिकेटर्स. सम हाउ आई हैव टू ब्रेक माई एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल. एग्जिस्टिंग जो भी मेरे फैमिली फ्रेंड्स है, वो ब्रेक करके. आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशन तोड़ना है, उनसे भी रिलेशन मेंटेन रखना है, बट आपको उन लेवल के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा जो उस लेवल पे खेल रहे हैं. बिकॉज जब आप उनके साथ उठोगे बैठोगे, तब आप उनके जैसा सोचना चालू करोगे और तभी आप उनके जैसे बनोगे. सो फर्स्ट थिंग टू बिल्ड योर नेटवर्क इज ब्रेक योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क. बिकॉज आप जो भी हो आज, जो भी आपकी लेवल है, जो भी आपकी औकात है, जो भी आपकी सिचुएशन है, इट इज बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क. जिन लोगों के वजह से, जिन लोगों के साथ आप रहे हो, वैसे आप बने हो. एज सिंपल एज दैट. सो फर्स्ट थिंग इज टू ब्रेक दैट. सेकेंड थिंग इज हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क. देन स्टार्ट कनेक्टिंग विथ लॉट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस. Most of the people either waste their time on Facebook, and all the people who are not of that Facebook का target group, they are either on Instagram or Snapchat. मेरा straight advice आपको ये है, to build the network socially, connect on LinkedIn. Second thing is try to participate, try to come out of your comfort zone and participate in such forums, maybe online, offline, events, seminars, webinars. So many things are happening. There are so many things are happening around you, but you have to come out of that. In some cases, जैसे मैंने कहा कि you have to pay the cost. हर चीज free में available नहीं है. Why anyone will give? There are no free lunches. मैं बता दूं, जितनी भी चीजें आप free में use कर रहे हो, Google, Facebook, all the free seminars, webinars, there might be some hidden agenda. So आपको कहीं ना कहीं कहीं pay करने की भी तैयारी होनी चाहिए. कितना बचाओगे और कहाँ लेके जाओगे? So टू गेट इन अवर राइट नेटवर्क. आपको क्या लगता है, मैं अगर आपको बोलूं कि आप जाके आपका नेटवर्क एलोन मस्क या फिर मार्क जुकरबर्ग के नेटवर्क में आपको जाओ, ऐसे अगर मैं बोलूं, तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल है? नहीं है. यू नीड टू हैव दैट रिस्क. वो पैसा आपको राइट इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एकदम से एलोन मस्क पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आपके नेक्स्ट लेवल में आपको दिखता है कि नहीं, ये बंदे ने या ये कम्युनिटी ने वो हासिल किया है, तो एटलीस्ट ट्राई टू अप्रोच टू दैट नेटवर्क. ट्राई टू आस्क के दिस इज माई बजट, दिस इज वॉट आई कैन डू, और ट्राई टू इन्वॉल्व वॉलेंटरली. सो दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू ट्रस्ट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सी, ट्रस्ट इज समथिंग विच यू विल नॉट गेट गारंटीड ऑन पेपर. ये आपकी गट फीलिंग पर भी डिपेंड करता है और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी डिपेंड करता है. Entrepreneurs by default take decisions on the gut feeling. Guts.
यू कॉल इट सिक्स सेंस वॉट एवर एंड इन दिस प्रोसेस मेनी टाइम्स ऐसे भी होता है कि वो गलतियां भी करते हैं. मेरे साथ भी गलतियां हुई. आई हैव हायर्ड सम रॉन्ग पीपल. आई हैव टेकन मनी फ्रॉम सम रॉन्ग पीपल. व्हेन आई से रॉन्ग पीपल मतलब कहीं ना कहीं जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे बिजनेस के लिए उस हिसाब से वो नहीं हुआ. बट उस स्टेज पे वो मेरा गट फीलिंग बोल रहा था कि दिस इज द राइट गाय. तो आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा. उसमें आपका एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप बना लीजिए जब भी आपको किसी से नेटवर्क करना है कि मुझे इस टाइप के बंदे चाहिए, इस टाइप के लोगों के साथ जुड़ना है. तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए. उन्हीं लोगों के साथ फिर आपका कनेक्ट बना. एंड दैट्स हाउ. एंड ट्रस्ट तो करना पड़ेगा. ट्रस्ट तो सी नोबडी इज परफेक्ट. नीदर यू नॉ मी. नोबडी इज परफेक्ट. तो आपको पहले तो लोगों को इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कुछ खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देन पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग टू यू. इन माय टीम आई डोंट सी दैट दे ऑल आर परफेक्ट बिकॉज आई सी माय सेल्फ एज एन इम्परफेक्शन. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ WIP वर्क इन प्रोग्रेस. तो हाउ टू ट्रस्ट. ट्रस्ट देम एज अ ह्यूमन. आपकी जो स्किल्स क्वालिटीज एक्सपेक्टेड है वो पहले चेक करो एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग. स्टार्ट ट्राइंग. एंड दैट्स हाउ इट इज. अगर उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, अगर को फाउंडर पार्टनर बनना है, तो फिर आप कुछ एसोसिएटिंग टर्म्स डिफाइन करो, कुछ पेपर साइन करो. दैट्स इट. दैट्स इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सर. प्लेजर. सो गाइज लास्ट टू क्वेश्चंस बट आई वांट यू टू आस्क फास्ट.